से जहां लोग चिंतित हैं तो वहीं बीते कई दिनों से बिन बारिश के ही मऊगंज नगर का मुख्य मार्ग पानी पानी हो गया है। बस स्टैंड की अवरुद्ध नाली का गंदा पानी लोगों की फजीहत का कारण बना है। वहीं लोगों का सड़क पर पैदल चलना दुष्भार हो गया है। वहीं यहां पर व्यापारी जलभराव से परेशान है, तो वहीं भाजपा पार्षदों की जन समस्याओं के निदान की मांग को नगर परिषद अनसुना कर रहा है। जहां पर नगर के बाजार में व्यापारी और राहगीर 10 दिनों से नरकी स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन जलभराव की समस्या के निदान को लेकर प्रयास नहीं किया जा रहा है। हालांकि नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष मऊगंज और वार्ड 7 के पार्षद जलभराव का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। मऊगंज नगर में जलभराव की समस्या पर नगर परिषद जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है, जिसको लेकर पूर्व भाजपा पार्षद वार्ड क्रमांक 2 उपाध्यक्ष पति सुंदरलाल साकेत और भाजपा पार्षद राजेश सर्राफ द्वारा कड़े रुख अख्तियार करने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पटेल ने उपाध्यक्ष पति सुंदरलाल साकेत और भाजपा पार्षद राजेश सर्राफ के साथ बस स्टैंड के आसपास व सड़कों पर जलभराव की समस्या का जायजा लिया। सीएमओ मऊगंज ने उन्हें इस समस्या का निदान कल तक हो जाने का आश्वासन दिया है। वहीं भाजपा पार्षदों ने कहा कि समस्या के लिए नगर परिषद जिम्मेदार है और इस ओर कार्य नहीं होने पर मुख्य मार्ग पर भाजपा पार्षद नगर परिषद के खिलाफ धरना देंगे। यहाँ पर पानी भरा है, 15 दिन हो गए इसी ढंग से चल रहा है। मतलब सुबह शाम पानी आता सप्लाई वाला, इसके चक्कर में सप्लाई वाले पानी की वजह से सभी लोग पानी की जरूरत है नहीं किसी को भी, सब पाइप डाल देते अपने इसी पे। सुबह भी एक कंडीशन होते हैं, शाम को भी ये मतलब टीएनके के पानी की वजह से उसी वजह से हो रहा है। बरसात बरसात थोड़ी है, बरसात हुई चाह रही है। क्या सर ये कब तक शुरू हो जाएगा? उसको कल से चालू हो जाएगा, कल से चालू हो जाएगा। और आपका क्या कहना है समस्या का? साहब से यही कहना है कि आप इसका निदान करिए जल्दी जल्दी, यहाँ पर आप व्यवस्थित हो रहा पूरा नगर। क्या इसके बाद आप लोग क्या ये है इस पर काम में? इस पर काम नहीं हुआ, 4-6 दिन के अंदर नहीं होता तो हम लोग यहीं पे धरना करेंगे। धरना बैठेंगे और साफ सफाई, साफ सफाई साफ सुथरा ढंग से होना चाहिए, नगर साफ सुथरा होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार प्रशासन शासन प्रशासन जिम्मेदार।